कश्मीर से गंगानगर को जोड़ने वाली मेन रोड है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 8-10 साल पहले तक यहाँ वीरानी छाई रहती थी और इस सड़क पर कोई गतिविधि नहीं दिखती थी। 2006 में यहाँ शुरुआत हुई वेयर हाउसेज के बनने की और उसके बाद धीरे धीरे बगल में इंडस्ट्रियल एरिया आ गया और फिर सब कुछ बदल गया। यहाँ गाड़ियाँ सड़कों पर बढ़ गई। अभी दोनों तरफ मिलाकर देखा जाए तो करीब 5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ केवल वेयर हाउसेज हैं, वो वेयर हाउसेज जिनमें करीब करीब 50 लाख बोरियां रखी जा सकती है। बीकानेर में वेयर हाउस क्रांति में सबकी हिस्सेदारी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम यहां हर तरह के मानकों पर बड़े कारोबारियों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो छोटे गोदाम भी हैं। ये स्थानीय कारोबारियों के हैं, इनका भी हिस्सा अच्छा खासा है क्योंकि किसान और छोटे कारोबारियों के अनाज रखने के लिए जगह तो इन्हीं गोदामों में मिलती है। कंपनियों के गोदाम वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मानकों के लिहाज से हैं और एक्सचेंज के जरिए आने वाले अनाज इन्हीं नियंत्रित गोदामों में रखे जा सकते हैं। इनकी क्षमताओं का कोई पक्का हिसाब तो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के मुताबिक इन वेयर हाउसेज में 50 लाख बोरियां रखने की क्षमता है और ये क्षमता और बढ़ती जा रही है। वेयर हाउसिंग की बढ़ोतरी के साथ ही इससे जुड़े कई और दूसरे उद्योगों का भी यहाँ खासा विकास हुआ है और रोजगार के मौके भी बढ़े हैं। इसमें हर आदमी को काम मिला है सर, वेयर हाउस की वजह से। पहले कंस्ट्रक्शन, पहले जमीन खरीदी गई किसान से, किसान को कुछ फायदा हुआ। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ तो बीकानेर के लोगों को फायदा हुआ। उसके बाद अब बीकानेर का अनाज बीकानेर में रखा जा रहा है, तो इससे भी क्या है कि आम आदमी को फायदा ही है और रोजाना उसमें लोडिंग अनलोडिंग होती है, तो हर आदमी को कुछ ना कुछ फायदा है मेरा उसका। 2006 के बाद में तो ऐसी बाढ़ आई है, अभी 80 लाख क्विंटल माल या अपन कहीं 80 लाख बोरी तक माल रखने की कैपेसिटी बीकानेर में बन गई है। इससे क्या है कि रियल इस्टेट की मार्केट में भी असर पड़ा है, जॉब में भी फ़र्क पड़ा है, लोगों को मजदूरी के काम मिला है, यहाँ पे नौकरियाँ यहाँ पे मिली है, ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ा है और यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके आढ़त का कमीशन का काम भी बढ़ा है। कुल मिला के देखें तो वेयर हाउसों ने खूब हलचल मचाई है और इसके पीछे मेन रीज़न है वो डिलीवरी सेंटर। मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अब भी फ्यूचर मार्केट में एग्री कमोडिटी की जो भी डिलीवरी सेंटर है उसमें सबसे बढ़िया बीकानेर ही डिलीवरी सेंटर है और यही वजह है कि आज भी बनावट के दौर में वेयर हाउस और बन रहे हैं। बीकानेर में गोदामों की संख्या बढ़ी तो इसका फायदा दूसरे तरीके से किसानों को ही मिला। जिन इलाकों में ये गोदाम हैं वहां जमीन की बहुत ज्यादा कीमत किसानों को मिल रही है। ज्यादातर गोदाम गंगानगर मुख्य सड़क पर हैं। यहां जमीन की कीमत 30 लाख रुपए बीघा तक पहुंच गई है, वहीं खेती की जमीन अब भी 2 से 4 लाख रुपए बीघा मिल जाएगी। कीमत पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। वेयर हाउस के लिए मान लो 20 बीघा जमीन किसी ने परचेज किए तो उसके आसपास की सारी ज़मीनों के भाव बढ़ गए। वेयर हाउस वाला तो 20 बीघा जमीन ले ली, उसके बाद में जो ज़मीन है उसकी रेट मान लो पहले किसी किसान ने 7 लाख रुपए बीघा में बेचा है या 5 लाख में बेचा है तो उसके बाद में उसके पड़ोस की ज़मीन है उसकी रेट होगी 10 लाख रुपये बीघा होगी, क्योंकि वो किसान सोच रहा है कि मेरे पास दूसरा भी आएगा, क्योंकि एक रास्ता मिल जाता है वेयर हाउस के लिए, एक रोड मिल गया तो दूसरे किसान को भी उस जो वेयर हाउस बना रही कंपनी बना रही उसको भी फायदा हो जाता है, क्योंकि एक रास्ता मिल गया तो वेयर हाउस तक जाने का रास्ता खुल गया तो फिर वो लोग भी दूसरी जमीन की रेट बढ़ गई, फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं हुआ। वेयर हाउस आने की वजह से बीकानेर में कृषि कर्ज भी बढ़ा है। किसानों को गोदाम में रखी कमोडिटीज पर बैंक आसानी से कर्ज देते हैं। कर्ज देने में जोखिम घटने की वजह से ज्यादातर बैंकों ने अपनी शाखाएं यहां खोली हैं। वेयर हाउसिंग डेवलप होने से जो हमारे यहां ट्यूबवेल डेवलप होने के बाद जो बहुत बड़ी क्रॉप ग्वार और मूंगफली हमारे एरिया में जो बड़ी है, तो मुझे लगता है कि उसकी स्टोरेज के लिए ये वेयर हाउस होने से उस माल को रखने में, उस माल की संभाल करने में हम लोगों को बहुत हेल्प हुई। प्लस एक साथ इतनी बड़ी क्रॉप आना, जैसे आज बीकानेर मंडी 1 लाख बोरी मूंगफली की डेली अराइवल वाली और ऊपर में 6,000 से लेकर 10,000 बोरी ग्वार डेली अराइवल की मंडी है, तो आप ये मान के चलिए कि इतने बड़े माल का आज फाइनेंस किसानों को पेमेंट, वो सब के लिए तो वेयर हाउस होने से, उसके अंदर स्टॉक रखने से नेशनलाइज और प्राइवेट बैंकों ने जो फिर उन स्टॉक के ऊपर फंडिंग दे के, तो उससे पेमेंट रोटेशन है मार्केट का, किसानों को जल्दी भुगतान की समस्या है और ये सब दूर हुई है। इनमें बहुत फ़र्क पड़ा है। जितनी प्राइवेट बैंकें आज से 10 साल पहले यहाँ पे, एक भी प्राइवेट बैंक नहीं थी, लेकिन आज सारी प्राइवेट बैंकें यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। स्टॉक फाइनेंस में बहुत बड़ा व्यापार यहाँ पे बीकानेर में बढ़ा है पिछले 10 साल में।
बीकानेर में सबसे पहले वेयर हाउस बनाने वाले कारोबारी विनोद गोयल का मानना है कि वेयर हाउस क्षमता में जबरदस्त तरीके से सुधार आने से बीकानेर पूरे क्षेत्र के लिए कृषि आधारित गतिविधियों का केंद्र बना है। हालांकि सरकार की ओर से वेयर हाउस बनाने के लिए शुरुआती दौर में दी जा रही सब्सिडी कुछ वर्गों तक सीमित करने से इनके विस्तार की प्रक्रिया धीमी भी पड़ी है। नाबार्ड की स्कीम के तहत गोदाम भंडारण की स्कीम आई तो उसमें लोगों ने गोदाम का बनाने का काम शुरू किया, तो जो कि आप ये देखिए 8-10 सालों में 2-5 लाख बोरी की जहाँ बीकानेर की कैपेसिटी थी, आज पूरे बीकानेर क्षेत्र में 40-50 लाख बोरी भंडारण क्षमता होगी। यही कारण है कि इसका बहुत बड़ा बदलाव 10 सालों में आया और लोगों को यहाँ काम, व्यापारियों को भी बड़ी सुविधा मिली। बाहर की कंपनी आई, उन्होंने यहाँ पर ग्वार, चना, मूंगफली जो कि यहाँ लोगों ने स्टॉक किया, और व्यापारियों की भी दशा बहुत सुधरी, इंडस्ट्री की दशा सुधरी, लेबर को काम मिला, खूब यहाँ इस चीज़ का प्रोग्रेस हुआ। बीकानेर में कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वेयर हाउस रोजगार के मामले में भरपाई कर रहा है। एक वेयर हाउस में आसानी से 30 से 40 लोगों को रोजगार मिल जाता है। हर एक को उसकी काबिलियत के लिहाज से काम मिल जाता है, मैनेजर, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड और मजदूर। संगठित तरीके से रोजगार मिलने से मजदूरी भी कई गुना बढ़ गई है। 7-8 लोग क्लास में थे, उनको सारों को यही रोजगार मिल गई। पास में बीकानेर के वेयर हाउसिंग में ही खरा में हम वेयर हाउस में गए। यहाँ ज़्यादातर ये ग्रोथिंग सेंटर है, यहाँ खरा है, तो यहाँ पर लगभग वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग में लगभग बंदे वो काम करते हैं और अच्छी सैलरी भी यहाँ मिलती है और अच्छा यहाँ यानी वेयर हाउसिंग में अच्छा काम करने मज़ा आता है और हर क्षेत्र में अच्छा है यहाँ। जैसे जैसे लेबर बढ़ काम बढ़ी जाना वैसे लेबर बढ़ी जाती है। पहले मजदूरी मिलते थे 70-80 पैसे, अब 5 साल के अंदर में इधर होने लगा 5 रुपये बोरी हो गया। बीकानेर में खेती से जुड़े कई छोटे बड़े सिकंदर तैयार हो गए हैं। गोदामों तक सामान पहुंचाने और वहां से ले जाने के काम में करीब 300 ट्रक लगे हुए हैं। कम से कम 250-300 लेबर काम कर रही है, कम से कम मैं तो 300-400 गाड़ी काम कर रही है यहाँ पे। वो काम ये तो सब्र लिए है ना साहब, फायदा ही है इसमें। लेकिन इन सब विकास के बीच एक कमी क्षेत्र को अब भी खलती है। ये पूरा इलाका लाखों टन ग्वार, चना और मूंगफली स्टोर करने के बावजूद केवल एक ट्रांजिट के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहा है। प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बीकानेर में वेयर हाउसिंग सेक्टर के ग्रोथ की कहानी अब तक शानदार रही है, लेकिन ये कहानी अब भी अपने क्लाइमेक्स से दूर है। पूरी तरह से निजी क्षेत्र के प्रयासों और उसकी मेहनत से उभरा हुआ ये सेक्टर अब बाट जो हो रहा है कुछ ऐसे ही मददगार सरकारी नीतियों की, जिनके कारण इस सेक्टर से जुड़े कुछ और उद्योग यहाँ पर आ सके। खास तौर से जैसे मान लें कि अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर यहाँ डेवलप हो जाए तो ये कहानी निश्चित तौर पर एक नई ऊंचाई तक पहुँच सकती है। बीकानेर के पास खारा ग्रोथ क्षेत्र से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।